नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ सारोबा कृषि। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक वसीत ग्रह में, जहां पर आलू के व्यापारियों द्वारा कम बोली लगाई गई है। कारण बताएंगे खुद किसान जो है, लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप अगर इनकी बातों से एग्री हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमारा मिशन है इन व्यापारियों के खिलाफ, जो दलाल टाइप के व्यापारी हैं इनके खिलाफ अल्लाह हो, ऐसे ही व्यापारियों को हमें नंगा करने का काम करना है। जो मंडियां तो बिक रही हैं 22 रुपए किलो, 24 रुपए किलो, लेकिन खरीदारी हो रही है 16 रुपए किलो, 17 रुपए किलो, यानी 10 रुपए का डिफरेंस। ऐसे में किसान क्या करेगा? इन्हें तो अपनी जेब में भरनी है। यहाँ पर कोल्ड स्टोर मालिक को एक बात बता दूँ, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि लास्ट समय चल रहा है, ऐसे में मशीनें बंद करके या किसी तरह अन्य प्रकार की अफवाह फैला के आलू किसानों को भयभीत करके आलू निकलवाने का पूरे प्रयास रहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको घबराना नहीं है, यहीं से आपका पूरा मजा आने वाला है। अगर आपको अगर यहाँ पर अगर इनके झांसे में आ गए तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपके आलू का मटिया में ढोने में कतई देर नहीं लगने वाली है। तो मेरे साथ में यहाँ किसान मौजूद हैं, किसान से ही पूछ लेते हैं क्या स्थिति है कोल्ड की और क्या कितना हुआ है। और मैं आपको यहाँ पर मैं ये दिखाने की कोशिश भी करूँगा कि यहाँ लोडिंग भी हो रही है। लेकिन बात आपको बस समझने वाली ये है कि आखिर ये व्यापारियों द्वारा, जो दलाल टाइप के व्यापारी हैं, इनका पेट क्यों नहीं भरता है? और जब मंडियाँ इतने उछाल पड़े हैं तो रेट दे क्यों नहीं रहे? और यहाँ पर मैं आपको एक और बात स्पष्ट कर दूँ, आपका दक्षिण भारत में टोटली आलू जो है ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, कॉलर है या डिम्बिम है जो आता रहता था वो भी अब ख़त्म गए। और दूसरी बात, यहाँ एक और आपको पंजाब और ऊना के नाम से डराया जा रहा है, ऊना की फसल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, खुदाई बिल्कुल बंद हो चुकी है। होशियारपुर का आलू 28 तारीख का चलेगा। जैसे ही हमने होशियारपुर के किसानों से पूछा है तो बोले भाई 5 से 6 कट्टे का बीघा निकल रहा है। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं 5 से 6 कट्टे का बीघा नया आलू क्या आपके इतने बड़े देश की, विशाल का देश की जरूरतों को पूरा कर सकता है? कतई नहीं कर सकता है। इस तरीके के जो व्यापारी हैं वो किसानों को तोड़ने का काम कर रहे हैं और उनसे ही किसान जो है बरबस टूट रहा है और आलू को बेच रहा है। अगर आलू की क्वालिटी देखी जाए तो क्वालिटी भी सही है, सारा कुछ सही है, लेकिन आप लोग अगर धैर्य बना के रख गए तो आपका छिला हुआ है, हरा है, कटा बैठा है, क्योंकि मांग इतनी ज़बरदस्त है कि आपका सारा कुछ धोया जैसा हो जाएगा। पूछ लेते हैं हम आपसे, भैया है मेरे साथ में, भैया से पूछें, भैया क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं भैया, क्या स्थिति है कोल्ड स्टोर में, आप आलू बेचने आए हैं? स्थिति बहुत बढ़िया, व्यापारी बहुत अच्छे रेट से खरीद रहे हैं, 400 रुपया कट्टा और 300 रुपया कट्टा, ये अच्छा है। और जनका तो अच्छा हुई है, दलाली कहाँ से करेंगे, कछु कोल्ड भाई ले रहे होंगे, कछु जी ले रहे होंगे, कोल्ड वालों से बोलो कि भाई व्यापारी बुलाओ कि हम कहाँ से लाएं, किसान लेके आएगा व्यापारी, अगर ऐसे किसान ही व्यापारी लेके आएगा तो फिर जरूरत क्या है कोल्ड में रखने की, व्यापार खुद भी कर सकता है किसान। अभी मैंने आपको स्थिति दिखाई थी मंडियों की और आपने खुद देखा था, तो मंडियां सही बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? मंडियां सही बोल रही है, लेकिन यहाँ पे व्यापारी और कोल्ड वाले तो सही नहीं बोल रहे हैं, ये तो किसान को काटने का काम कर रहे हैं। 300 रुपये कट्टे और 400 रुपये कट्टे में तो किसान आलू बेचेगा तो उसे बचेगा क्या, घर से देगा 115 रुपये 125 रुपये का भाड़ा ले रहे हैं, 40 रुपये का कट्टा हो गया, क्या लेके जाएगा किसान? तो आप अगर इतनी स्थिति खराब है आलू की तो फिर ये आलू फिर क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं करवा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब आलू जो है फेंकने की नौबत आ गई है तो नौबत फेंकने की आ गई है, अगर आलू फेंक ही रहा है तो फिर ये खरीद क्यों है? सही बात कही भैया ने, यही बात क्या है, यही है जो बताया है कि इसी तरीके से अगर दलाली होती रही है, दलाली ही रहेगी तो फिर काम तो वैसे ही मरा हुआ है। तो आप एक बात बताइए हमें भैया, आप गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि जो कोल्ड स्टोर मालिक को बार बार आप बोल रहे ये कह रहे हैं निकालिए निकालिए, मशीन बंद हो गई, ये हो गया, क्या वास्तु रूप है? बोला तो ऐसा ही आ रहा है, नहीं अभी हमें क्या पता, हम मशीन ऑपरेटर तो है नहीं, जाके मशीन चलना, बोला तो यही आ रहा है कि मशीन बंद हो जाएंगी और आलू निकालो, कहाँ से निकालें, व्यापारी लेगा नहीं इनके, चार्ट बना के बेचेंगे किसान भाई, किसान क्या करेगा? किसान भाइयों, इसे कोल्ड स्टोरेज की मशीन भी दिखाएंगे, चल रही है कि नहीं चल रही है, किसानों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? एक और किसान देता हूं, उनसे बात करो, आओ जी, देखो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरवी सिंह। कहाँ के रहने वाले? ठीक है, ठीक है, रहने वाले आलू बेचने आए थे आप, क्या बिका नहीं बिक पाए? आलू का 400 रुपया लग रहे हैं, 400 बढ़िया आलू, बढ़िया मोटे आलू के, मंडी तो अच्छा चल रही है, मंडी अच्छी चल रही है, यहाँ मंडी में भाव ना है, व्यापारी ले रहे और व्यापारी नहीं करें, आए नहीं ना जो व्यापारी हो रहे वो आई नहीं ना,
हाँ आप लोगों को तोड़ा जा रहा है। हाँ तोड़ा जा रहा है, और कुछ व्यापारी ना जल्दी खराब या कोल्ड जब मछली बन जाऊंगी खराब आदमी रह जाएगा। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, मतलब आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, आप जो है जल्दी से जल्दी जल्दी खराब देखे आदमी से। आप तो आप भी पढ़ रहे हैं कि 10% ही आलू रह गया कोल्ड स्टोरेज में, अब तो 8% ही रह गया। ये तो भाई बता रहे सब 60,000 बोरा बने हैं आपने ना वही बता रहे 60,000 विश्वास कर लिया आपने ना हमें क्या कर रहे हैं बता रहे हैं हमें तो 60,000 जब तुम्हारा नाती यहाँ पर इतना दिखा रहा है आप लोगों फिर क्यों टूट रहे हो आप तो हम बेच ही रहे हैं अपना बेच रहे हैं ना तो बस बिल्कुल मत शांत बैठे रहिए आप 8-10 दिन और शांत बैठ जाइए जब से आप रेस्ट ले रहे हैं तो 8 दिन और सही है। तो मेरे साथ में एक और किसान मौजूद है चाचा जी पूछे कहाँ से आए चाचा क्या नाम है दादा स्थिति क्या है कोल्ड स्टोरेज में स्थिति ज्यादा खराब कैसे ज्यादा खराब है मतलब किसान बिल्कुल बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हाँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हाँ। क्या स्थिति देख रहे हैं आपका कोल्ड स्टोर मंडियाँ तो काफ़ी उछाल पे हैं देख रहे हैं आप मंडी उछाल पे और व्यापारी खरीदना है यानी क्योंकि गड़बड़ झाला है कितना गड़बड़ झाला देख रहे हैं सबरी गड़बड़ झाला है बताओ कौन कीमत पर खरीदना है मतलब आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि हम आलू नहीं खरीद रहे आलू नहीं खरीद रहे इससे क्या आप भयभीत होकर 350-450 में निकाल दें मशीन बन होंगी निकालो आलू निकालो तो मेरे साथ में एक और भैया मौजूद हैं भैया से कहेंगे भैया क्या क्या नाम है भैया आपका दीपक चौहान कहाँ के रहने वाले हैं नगला बाग से हैं आलू बेचने आए थे बिकार नहीं बिकार आलू कैसे बेच दिया जाए ये बताइए आलू का कोई रेट ही नहीं मिल पा रहा है 300-400 रुपये रेट मिल रहा है इस स्थिति में हमें क्या बचेगा आलू 500-650 रुपये तक तो खेत से पड़ता है पैकेट में देख करके किसान क्या बचाएगा आप ये बताइए लगातार देख रहे हैं मंडियां सारी उछाल पे हैं आप नेट भी यूज़ कर रहे हैं लगातार आप लोगों को अपडेट भी किया जा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला कोल्ड स्टोरेज में हो रहा है नहीं ये तो आपकी बात सही है कि टेक्नोलॉजी बहुत आई है मगर कोल्ड जो मालिक हैं कोल्ड वाले जो कर्मचारी है वो 30 तारीख की लास्ट डेट दे रहे हैं कोल्ड चालू हो गई स्थिति रख रही है अब कोल्ड ही बंद हो जाएगा तो आलू डैम्प हो जाएगा आलू का डैम्प होगा तो डैमरेज होगा किसानों से किस स्थिति में आलू डैमरेज ना हो पाए उससे पहले किसान को निकालना पड़ेगा किसान की मजबूरी बनेगी कुल मिला के व्यापारियों द्वारा भयभीत किया जा रहा है ये तो कुछ भी मान लो या तो व्यापारी अदारा मान लो या जो मार कोई ना हो कोई लिखा पे ना हो व्यापारी भयभीत कर रहे तो हमारे तो 300 भैया इधर आ जाइए अभी आपसे सवाल इधर आइए देखिए ये व्यापारी हैं और अब ये सवालों के जवाब देने से अरे महाराज आ जाइए जवाब दीजिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं राष्ट्रीय आदमी है इधर आइए देखिए किसान भाई देख रहे हैं इन लोगों को व्यापारी हमारे कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए बच रहे हैं पीछे से करते रहते हैं क्या है स्थिति देख लीजिए पूछ रहे भैया आ जाओ भैया किलो खरीदना पड़ेगा अरे भैया 25 खरीदना पड़ेगा 25 ही खरीदना चलो तो फिर अंदर चलते हैं बताओ कैसा दिखाएंगे बताओ ना कैसा दिखाएं देखिए भाई घबराने की जरूरत नहीं है किसान भी आपका साथ है और यहाँ पर और भी भैया मौजूद है भैया व्यापारी देना नहीं चाहते आप बिल्कुल भिजवा में कोल्ड वाई भिजवा लेना व्यापारी ले लेना जो करेंगे का ये सारा कुछ है उन लोगों के लिए है जो किसानों का एक पूर्वाग्रह है जहाँ तक हमने बताया था आप लोगों के लिए रोजाना हम अपडेट करते हैं कि भैया आज ये रेट है डेली अपडेट हमारा रहता है सारे मंडी से जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आज आपका आलू 450-500 रुपये में किसानों को जैसे कि देखिए आप ये जितने भी किसान हैं इधर दिखाई कर रहा हूँ जितने भी किसान हैं ये सारे भयभीत हो चुके हैं भयभीत होने का कारण क्या है कि 450-550 रुपये खरीद रहे हैं इससे ज़्यादा नहीं खरीद रहे और इसके जैसे ही किसानों का आलू जो है जैसे ही आलू जो है बाहर इनके किसानों के हाथ से छूटेगा वैसे महंगा होगा क्या सही बात है यानी कि आप लोग घबरा गए पूरी तरह से ठीक है तो नहीं।
उसके बाद में 31 दिसंबर बहुत महीने एक महीना 31 नवंबर दिसंबर ना है। चलिए और बात कर लेते हैं भैया, क्या और क्या कह रहा था? यही कह रहे हैं सब किसान को, तो रपा बंद है शासन जब ये 31 नवंबर को आदमी को लेते बाहर निकाल देंगे तो किसान कागज में भी गर्म भरेंगे बाड़ा पूरा हो गया हो लेंगे का ओल्ड वालों से कहना है व्यापारी बुलाओ, कोई व्यापारी हम कहाँ से बुलाएं, किसान बुलाएगा व्यापारी, मंडी किसान बोलेगा, आड़त को किसान बैठेगा, ओल्ड में जरूरत क्या रखे भाई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आलू इतना सस्ता और इतना फेंकी रहा है तो फिर ये खरीदारी क्यों हो रही है? आप देख रहे हैं ट्रक ट्रक की लोडिंग हो रही है, कैमरा मैन से कहूँगा जरा थोड़ा इधर थोड़ा इधर, और ये आप देख लीजिए ये लोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। दोनों आलू इतना ही सस्ता बिक रहा है, आलू इतना ही सस्ता खरीदा जा रहा है, फिर जब तुम्हें बचत ही नहीं हो रही फिर खरीद क्यों रहे हो? मेरा सवाल इन व्यापारियों से है जो अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है, क्या आलू जो है फेंकेगा ये होगा, जब इतना भय बना दिया तो फेंकना तो है ही है, क्यों चाचा? सही बात, अगर अभी आप 10 दिन के अंदर निकाल दें फिर सारा आलू 1500-2000 होगा, तो वो तो भैया मजबूरी है, कोल्ड वाले ये कह रहे हैं कि भैया आलू निकालो 30 तारीख से पहले। अच्छा कोल्ड वाले कह रहे हैं व्यापारी है ही नहीं खरीदेगा, जब कोल्ड में ही नहीं है बुलाई नहीं रहे कोल्ड वाले, काम नहीं चल रहा है यानी कि कंपटीशन नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सर, आप अगर 10 दिन के अंदर रेट आ जाए तो आप निकालने आते उचित समझेंगे या 10 दिन बाद? तो 10 दिनों बाद निकाल दें पर ये लोग तो सही करते हैं। आप लोग देखिए किसान भाइयों, ये आप लोगों की वेदना नहीं है, सब किसानों सभी किसान भाइयों की वेदना है कि इतना इन्हें डरा दिया गया, इतना धमका दिया गया है कि जो आलू जो है कहा अभी जल्दी निकालिए जो 2-3% आलू किसानों के हाथ में बचा है उन सबको अपने हाथों में करने के प्रयास रखते हैं। कट्टा भरवा लो, दलाल किस्म के आलू माफिया है, इनके द्वारा ये डंडा फहराया जा रहा है। अगर आलू फेंकना ही है तो फिर खरीदा क्यों जा रहा है, सवाल ये है। तो चलिए किसान भाइयों मेरे साथ में इतना ही, अन्य कोल्ड स्टोर की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं क्या है उस कोल्ड स्टोर की स्थिति, बताते हैं इस तरीके से जो घबराहट किसानों के अंदर देखी जा रही है ये आपने देखा होगा, व्यापारी की बात भी सुनी होगी। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं अगर आलू इनके हाथ में चला गया तो निश्चित रूप से महंगा होना ही होना है। अगर ये इतना बड़ा हल्ला अफवाह फैलाई जा रही है सिर्फ उसी का नतीजा है, अगर आलू का महंगा रेट होगा तो आपके सामने आएगा। लेकिन ये जो इस तरीके के जो आप देख रहे हैं ये कुछ दाल में काला जरूर है, तो मेरा निवेदन यही है अगर आप घबरा गए तो आप मात खा गए, घबराना नहीं, ये तो ऐसे प्रोपेगेंडे फैलाते रहेंगे। तो बहरहाल किसान साथी मेरे साथ वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।